कोरोना वायरस के चलते राजस्थान राज्य में कर्फ्यू लगाए जाने पर हमारे पिंडवाड़ा ब्यूरो चंदनमल प्रजापति ने नजदीकी नांदिया ग्राम पंचायत सरपंच से जानकारी ली। देखिए नांदिया गांव से हमारी यह रिपोर्ट। ऐसा है, आज सुबह करीबन 8 बजे मैं पंचायत टीम सहित सब वार्ड पंचों के साथ पंचायत में आया। गांव की स्थिति देखी तो लोग अपनी आदतों से मजबूर थे, गांव में खड़े थे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लोटाना गांव से आने वाले व्हीकलों को, बाइक रिक्शा वगैरह का सबको रोका। हमको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और तत्परता बरतनी पड़ी, तब जाकर अभी ये पोजीशन है। जो संवाददाता आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इसमें पंचायत और गांव वालों ने भी काफ़ी सहयोग किया, उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार से जब तक ऊपर के हाई लेवल के आदेश हमको नहीं मिलेंगे, तब तक विश्वास है कि इस नादिया गांव के अंदर पूरी पंचायत बॉडी ने गांव को सतर्क किया हुआ है और पूरा माहौल को संभाला हुआ है। पंचायत के बाहर पूरी टीम खड़ी है, टीम घरों में घूमे। आपने किस प्रकार से लोगों को सतर्क किया? हमने सर्वप्रथम तो सरपंच साहब के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित करके हमने पूरे गांव में प्रत्येक घर पर जाके सर्वे किया कि घर में किसी को बुखार खांसी सर्दी तो नहीं है, और अगर किसी को ऐसा हमने पाया तो उनको सीधा चिकित्सा मेडिकल टीम से हमने अनुरोध किया। उन्होंने जाके उनकी जांच भी की। जो बाहर से आने वाले व्यक्ति थे उनकी भी हमने पंचायत में पूरी लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अनुसार मेडिकल टीम को भेज के उनका भी क्वारंटाइन किया गया है, और उनको विशेष हिदायत दी है कि वो 14 दिनों तक जो सरकार के द्वारा जो निर्देश हमको मिले हैं उनके अनुसार 14 दिन तक वो होम आइसोलेशन में रहेंगे। और उसके अलावा भी हम पूरे गांव में एक प्रकार से वो 144 की धारा का पूरा पालन करने के लिए लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, और पूरी पंचायत की टीम मिल करके पूरे गांव में जितने भी हमारे ये वाहन वाले भाई साहब हैं, जो भी मोटरसाइकिल वाले हैं, उन सब से आग्रह किया कि अपने मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकाले और घर सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे होकर के नहीं रहे, और पूरे कानून को इस बीमारी को डट कर मुकाबला करने के लिए हम सब जने तैयार रहें।